प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बूझो बूझो मेरा नाम है, ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहां से आई ये आवाज, कौन है ये? बोलो कौन है ये? ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती। क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी सब बात सीधी। आज संपर्क दीदी सुनाएंगी कछुए और खरगोश की कहानी, रैबिट एंड द टॉर्टोइस। चिंटू के ग्रैंडफादर यानी दादाजी के पास एक बहुत बड़ा फार्म यानी खेत था। उस फार्म में बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर रहते थे। रात को जब चिंटू और उसके ग्रैंडफादर सो जाया करते थे तो सभी एनिमल्स मौज मस्ती किया करते थे। जानते हैं कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर रहते थे वहाँ? वहाँ पर डॉग्स यानी कुत्ते, काउज यानी गाय, पिग्स मतलब सुअर, हॉर्सेस यानी घोड़े, डोंकीज यानी गधे, हेंस यानी मुर्गियां, और चिक्स यानी उनके चूजे थे। गोट्स यानी बकरियां थी, रैबिट्स मतलब खरगोश, और टॉर्टोइस यानी कछुए भी थे। एक बार की बात है, सब एनिमल्स आपस में खेल रहे थे। तभी सबने देखा कि रैबिट यानी खरगोश और टॉर्टोइस यानी कछुआ किसी बात पर आपस में लड़ रहे हैं। ओहो, ये देखते ही सारे एनिमल्स यानी जानवर उनके पास गए और उनकी बात सुनने लगे। रैबिट यानी खरगोश टॉर्टोइस यानी कछुए की हंसी उड़ा रहा था कि तुझे पता भी है कि मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ, और एक तू है जो इतना धीरे चलता है कि रात से सुबह हो जाती है और तू वहीं खड़ा रहता है। टॉर्टोइस को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा और उसने गुस्से में रैबिट को अपने साथ रेस करने की चुनौती दे दी। काऊ यानी गाय ने कहा, रेस में कौन जीतेगा ये मैं देखूंगी, ठीक है? रैबिट और टॉर्टोइस को फार्म का एक चक्कर लगाना था, बस फिर क्या था। काओ ने कहा कि डॉग, पिग और हॉर्स लेक यानी झील के पास खड़े होंगे, डोंकी और गोट पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, सारे चिक्स यानी चूजे मेरे पास ही रहेंगे, और कल सुबह सुबह हेन यानी मुर्गी
सीटी बजाकर रेस को शुरू करेगी। सुबह होते ही सब एनिमल्स यानी जानवर इकट्ठा हो गए और हैंकी सीटी बजाने का इंतजार करने लगे। सभी जानते थे कि इस रेस में कौन जीतेगा। रैबिट और टॉर्टोइस का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही सीटी बजी, रैबिट यानी खरगोश अलग झपकते ही दूर निकल गया। बेचारा टॉर्टोइस धीरे धीरे रास्ता तय करने लगा। ओहो, रैबिट ने जब पीछे पलट कर देखा तो उसे दूर दूर तक टॉर्टोइस दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा क्यों ना वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम ही कर ले। बस फिर क्या था, रैबिट की आंख बंद होते ही वो गहरी नींद में सो गया। उसे समय का पता ही नहीं चला और 2 घंटे बीत गए। और वहीं टॉर्टोइस मतलब कछुआ बिना रुके चलता रहा और रेस के अंतिम छोर तक पहुंच गया। उधर जब रैबिट की आंख खुली तो उसे रेस का ध्यान आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां टॉर्टोइस मतलब कछुआ पहले ही पहुंच चुका था और रैबिट यानी खरगोश का इंतजार कर रहा था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कितनी मजेदार थी ना? तो पूछें संपर्क दीदी के कुछ सवाल। के ग्रैंडफादर के पास क्या था, चलिए बताइए। जी हाँ, फार्म। फार्म में कौन कौन से एनिमल्स रहते थे? अरे भाई, बहुत सारे थे, जल्दी से सोच के उनके नाम बताओ। हाँ, डॉग और काऊ। शाबाश। पिग। हॉर्स। डोंकी। भाई वाह। हेन। वाह। चिक्स। गोट्स। रैबिट। टॉर्टोइस। अरे भाई वाह, आपको तो सारे एनिमल्स के नाम ध्यान है। रेस किन दोनों जानवरों के बीच में हुई? जी हाँ, रैबिट और टॉर्टोइस के बीच में। लेक के पास कौन कौन से एनिमल्स थे? बिल्कुल ठीक, डॉग, पिग और हॉर्स। रेस कौन जीता? टॉर्टोइस। बिल्कुल ठीक। आपको कहानी पूरी याद है? सारे सवालों के एकदम सही जवाब दिए आप लोगों ने। वाह। तो बच्चों, आज हमने कौन से नए वर्ड सीखे? जल्दी से याद करो और मुझे बताओ। डॉग, काऊ, पिग, हॉर्स, डोंकी, हेन, चिक्स, गोट्स,
रैबिट. टॉर्टोइस. Rhyme. Dada ji had a farm. Dada ji ka tha ek farm. Usme thi ek billi. Karti thi meow meow. Yahan aur meow meow. Wahan yahan meow wahan meow. Har jagah meow meow. Dada ji ka tha ek farm. उसमें था एक कुत्ता. करता था भौ भौ यहाँ और भौ भौ वहाँ. यहाँ भौ वहाँ भौ हर जगह भौ भौ. दादाजी का था एक फार्म. उसमें थी एक गाय. करती थी मू मू यहाँ और मू मू वहाँ. यहाँ मू वहाँ मू हर जगह मू मू. दादाजी का था एक फार्म. उसमें था एक सुअर. करता था ओइंक ओइंक यहाँ ओइंक ओइंक वहाँ. यहाँ ओइंक वहाँ ओइंक हर जगह ओइंक ओइंक. दादाजी का था एक फार्म. उसमें था एक गधा. करता था ही हो यहाँ और ही हो वहाँ. यहाँ ही वहाँ ही हर जगह ही हो. दादाजी का था एक फार्म. उसमें थे कुछ चूजे. करते थे चिक चिक यहाँ और चिक चिक वहाँ. यहाँ चिक वहाँ चिक हर जगह चिक चिक. दादाजी का था एक फार्म. उसमें थी एक बकरी. करती थी यहाँ और वहाँ. यहाँ वहाँ हर जगह. दादाजी का था एक फार्म. अरे रुको रुको रुको, हमें अब सब कुछ इंग्लिश में ही सीखना है. अच्छा बच्चों, आपको याद है ना, कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, काउ मतलब गाय, पिग मतलब सुअर, डोंकी मतलब गधा, चिक्स मतलब चूजे, गोट मतलब बकरी. चलो अब इस कविता को गाकर देखते हैं. ठीक. My dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cat, E-I-E-I-O. With a meow meow here and a meow meow there, here a meow, there a meow, everywhere a meow meow. My dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a bow bow here and a bow bow there, here a bow, there a bow, everywhere a bow bow. My dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. My dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. My dadaji had a farm, E-I-E-I-O.
My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a hen, E-I-E-I-O. With a peck peck here and a peck peck there, here a peck, there a peck, everywhere a peck peck. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a donkey, E-I-E-I-O. With a hee-haw here and a hee-haw there, here a he, there a he, everywhere a hee-haw. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick chick here and a chick chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick chick. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a goat, E-I-E-I-O. With a mama here and a mama there, here a ma, there a ma, everywhere a mama. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. Shabash, ek baar phir se. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cat, E-I-E-I-O. With a meow meow here and a meow meow there, here a meow, there a meow, everywhere a meow meow. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a bow bow here and a bow bow there, here a bow, there a bow, everywhere a bow bow. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a hen, E-I-E-I-O. With a peck peck here and a peck peck there, here a peck, there a peck, everywhere a peck peck. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a donkey, E-I-E-I-O. With a hee-haw here and a hee-haw there, here a he, there a he, everywhere a hee-haw. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick chick here and a chick chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick chick. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. My Dadaji had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a goat, E-I-E-I-O.
with a mama here and a mama there. Here a ma, there a ma, everywhere a mama. My dadaji had a farm. E-I-E-I-O. स्टोरी फूलिश लायन। आज संपर्क दीदी सुनाएंगी शेर और खरगोश की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लायन रहता था। भाई जंगल का राजा लायन यानी शेर। वो रोज एक एनिमल यानी जानवर का शिकार करता और बड़े ही मजे से अपना खाना खाता। पूरा जंगल शेर से थर थर कांपता था। धीरे धीरे जंगल में एनिमल्स यानी जानवर कम होने लगे और इससे सब जानवर परेशान हो गए। सब जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। अरे भाई मीटिंग यानी सभा। हाँ, जिसमें सब लोग बैठकर आपस में बात करते हैं। जानते हैं उस मीटिंग में कौन कौन आए थे? फॉक्स यानी लोमड़ी, डियर यानी हिरण, बेर यानी भालू, मंकी माने बंदर, एलिफेंट माने हाथी, रैबिट माने खरगोश। सब एनिमल्स यानी जानवर बैठकर सोचने लगे कि कैसे इस परेशानी से बाहर निकला जाए। बस फिर क्या था, सब एक एक कर अपनी बात कहने लगे। कालू बैर यानी भालू बोला, हो सकता है कुछ सालों में लायन यानी शेर खुद ही मर जाए। जंबो एलिफेंट यानी हाथी बोला, मुझे तो लगता है कि हमें ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। यहाँ तो हम आज नहीं तो कल शेर का खाना बन ही जाएंगे और थोड़े दिनों में बचेंगे ही नहीं। इस बात पर रानी फॉक्स यानी लोमड़ी बोली, ये तो कोई हल नहीं हुआ। हम क्यों अपना घर छोड़कर जाएं? हमें कुछ और सोचना चाहिए। क्यों ना हम बूढ़े जानवरों को शेर के पास भेज दें? सोना डियर यानी हिरण ने ये बात सुनकर कहा, हाँ ये अच्छा है, ऐसे हम बच जाएंगे। फिर चिंपू मंकी यानी बंदर बोला, नहीं नहीं ये गलत है। सिर्फ बूढ़े जानवर ही क्यों, ये तो बिल्कुल गलत है। हमें सब जानवरों के बारे में सोचना चाहिए। हम सब रोज एक जानवर शेर के पास भेजेंगे। कौन सा जानवर जाएगा इसका फैसला पर्ची से निकाल कर कर दिया जाएगा। चिंपू मंकी की ये बात स्नेक यानी सांप, आउल यानी उल्लू, फ्रॉग यानी मेंढक को बहुत अच्छी लगी और सब ये बात मान भी गए। पर राजू रैबिट यानी खरगोश ने कुछ भी नहीं कहा। फिर सब जानवर अपनी बात लेकर लायन के पास गए। लायन अपनी गुफा से बाहर आया और जोर से दहाड़ा।
उसने सब जानवरों से गुस्से से पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो तुम सब यहाँ पर? चिंपू मंकी सामने आकर बोला, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि हम रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे, जिसे आप जैसे चाहिए शिकार कीजिए और खा लीजिए। ऐसे आपको रोज रोज शिकार के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। लायन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे पसंद है, पर याद रहे कि जानवर मेरे पास टाइम पर आ जाएं, समझे? फिर क्या था, रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। पर जानते हैं, राजू रैबिट मन ही मन अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था, और एक दिन उसकी बारी आ ही गई। फिर क्या, राजू रैबिट यानी खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ जाने लगा और रास्ते में सो गया। पूरे 2 घंटे देर से पहुंचा। शेर गुस्से से बिल्कुल पागल हो गया। राजू को देखते ही बोला, इतना छोटा सा शिकार और तुम इतनी देर से आए हो? राजू बोला, I'm sorry, यानी मुझे माफ कर दीजिए। हम तो 10 रैबिट्स थे, पर रास्ते में हमें एक दूसरा लायन मिला। उसने हमें कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ। देखते ही देखते वो सारे रैबिट्स को खा गया। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। ये सुनते ही लायन जोर से दहाड़ा और बोला कि, चलो चलो मुझे लेके चलो उस लायन के पास, मैं उसे मार डालूंगा। इस जंगल का राजा मैं हूँ, समझे? राजू रैबिट लायन को एक गहरे वेल यानी कुएं के पास ले गया और बोला, वो लायन ना यही रहता है राजा साहब, यही अंदर, जरा अंदर देखिए। लायन आगे गया और उसने वेल यानी कुएं में झांका। उसे अपनी परछाई दिखाई दी। फिर उसने सोचा कि एक और लायन उसके जंगल में आ गया है। जोर से दहाड़ा। बस फिर क्या था, लायन ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी और डूब कर मर गया। राजू रैबिट खुशी से नाचने लगा और जाकर ये बात उसने सभी जानवरों को बता दी। फॉक्स यानी लोमड़ी, डियर यानी हिरण, बेर यानी भालू, मंकी यानी बंदर, एलिफेंट यानी हाथी, स्नेक यानी सांप, आउल यानी उल्लू, सब ने राजू रैबिट की बहुत तारीफ की और लायन की बेवकूफी पर बहुत हंसे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजेदार थी ना? मुझे पता था। तो पूछूं संपर्क दीदी के कुछ सवाल। जंगल का राजा कौन था? बताइए बताइए, बड़ा आसान सवाल है। लायन, जी हाँ बिल्कुल ठीक। चिंपू मंकी ने क्या तरकीब लगाई?
रोज एक एनिमल लायन के पास जाएगा। भाई वाह, बहुत बढ़िया। उस मीटिंग यानी सभा में 8 एनिमल्स आए थे, क्या आप उनके नेम्स बता सकते हो? फॉक्स यानी लोमड़ी, डियर यानी हिरण, बेयर यानी भालू, मंकी यानी बंदर, एलिफेंट यानी हाथी, स्नेक यानी सांप, आउल यानी उल्लू, रैबिट यानी खरगोश। राजू रैबिट ने लायन को झूठ क्यों बोला? ताकि लायन सोचे जंगल में एक और लायन है और उसके साथ वेल की तरफ चल पड़े। भाई वाह, आप भी राजू रैबिट की तरह बड़े होशियार निकले। कुएं के अंदर कौन सा एनिमल था? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। वहां वेल के अंदर कोई और नहीं था, वो तो खुद लायन की परछाई थी। है ना? क्या लायन सच में बेवकूफ था? नहीं, राजू रैबिट ज्यादा चालाक था और उसने सारे एनिमल्स की जान बचा दी। है ना भाई, आप लोगों को भी राजू रैबिट की तरह एकदम चालाक और होशियार बनना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने कौन से नए वर्ड सीखे? जल्दी से याद करो और मुझे बताओ। फॉक्स, डियर, बेयर, मंकी, एलिफेंट, स्नेक, आउल, रैबिट, लायन, एनिमल्स, वेल। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं।